हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज काफ़ी दिनों बाद मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ, क्योंकि कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थे, कुछ रीज़न था, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पा रही थी। तो इसके लिए सॉरी आप सबों को, पर अब से डेली ब्लॉग आने वाले हैं मेरे। तो मेरे डेली ब्लॉग को इन्जॉय करने के लिए, मेरे लाइफ स्टाइल को इन्जॉय करने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, मुझे थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ मेरी वीडियोज़ को शेयर कीजिए, ताकि मुझे थोड़ा सा मतलब अच्छा लगे और मेरे मतलब काम करने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो उम्मीद है आप लोग ऐसा ही करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तो अभी दोपहर का टाइम है, दोपहर के अभी 2:30 बजे हैं, पर मौसम बिल्कुल ख़राब हो चुका है और बहुत ज़्यादा मतलब तूफान हवा आने वाला है। तो ऐसा मौसम लग रहा है और हवा मतलब तेज़ हो रहा है धीरे धीरे से, और धूप बिल्कुल भी नहीं है अभी और मौसम बिल्कुल ख़राब हो रहा है। तो आज का ब्लॉग शुरू करते हैं, तो कंटिन्यू ब्लॉग में बने रहिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होता है, मौसम का हाल आज कैसा है। तो फिलहाल मैं यहाँ पर हूँ, देखिए ये हमारा एक टूटा फूटा सा घर है जहाँ पर हम लोग लकड़ियाँ वगैरह रखते हैं। पहले यहाँ पे जानवर रहा करते थे, जैसे गाय बैल वगैरह हम लोग जो रखे थे वो यहाँ पे रहा करते थे, पर अब वो सब नहीं है क्योंकि हमेशा नहीं रखा जा सकता है। तो जब था तो यहीं पे रखते थे हम लोग। और उनका देखिए ये सब पॉट वगैरह भी है जो खाना उनको दिया जाता था ये सब, और इसको अब तोड़ा गया है और इस पर नया घर बनने वाला है हमारे यहाँ पर। तो ये सब सारी लकड़ियाँ हैं यहाँ पर, क्योंकि बाहर थोड़ी थोड़ी बारिश भी हो रही है और मौसम ख़राब हो रहा है, तेज़ हवा आने की संभावना है, इसलिए मैं बाहर नहीं जा रही हूँ, बस यहीं पे ब्लॉग शूट करूँ। तो चलिए देखते हैं, कुछ लोग आम बागान में गए हुए हैं हमारे, तो देखते हैं कितने आम आज लेकर आते हैं। उम्मीद है काफ़ी सारे आम मतलब निकल गए हैं आज, मतलब झड़ गए हैं बहुत सारे आम हमारे, ऐसा लग रहा है। और पिछली बार जब हुआ था, हवा आया था बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा तूफान आया था, तो काफ़ी सारे आम हमारे कच्चे थे जो झड़ गए थे। और वो सब कोई काम का ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सारे आम लगभग फट जाते हैं। तो आज देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो चलिए ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए, आगे दिखाती हूँ क्या क्या होता है। और ये देखिए हमारी मुर्गी अपने 10 बच्चों के साथ, देखिए 10 बच्चे हैं। और यहाँ पे कुछ फूल वगैरह हमने जो लगाए थे ये है, और ये जो नींबू का पेड़ है इसमें बस एक ही नींबू आया है, आप लोगों को दिख रहा होगा पूरे पेड़ में बस एक ही नींबू आया है। और उस साइड में जो एक पेड़ है दूर में, वहाँ पे काफ़ी सारे नींबू आए हुए हैं, पर बारिश हो रही है तो वहाँ भी नहीं जा सकते हैं। कभी आप लोगों को मौका लगेगा तो ज़रूर दिखाएँगे। तो ये सब ऐसा है। और ये देखिए ये हमारे घर के पास वाला आम का पेड़ जिसमें काफ़ी सारे आम आए हुए हैं, देखिए। और ये काफ़ी बचा हुआ है आम, मतलब काफ़ी है अभी यहाँ पर आम, आपको दिख रहा होगा। और पर बगान वाले सारे ख़त्म हो रहे हैं, क्योंकि बाहर वाले लोग भी आके उसको ले जाते हैं, और बगान में इतना सारा पेड़ जो है वो सब का रखवाली करना मुश्किल है, इसलिए ये बस बचा हुआ है। तो ये देखिए अभी थोड़ी सी हवा कम हुई है और मेरे ससुर जी आ गए हैं यहाँ पर कुछ आम लेकर, ये देखिए पक गए हैं अभी आम, मतलब काफ़ी सारे पक गए हैं। और ये देखिए फट भी गए हैं बहुत सारे, और इतना बड़ा पेड़ से नीचे गिरता है ना तो आम फट जाता है, उसी ठीक नहीं रह पाता है, फिर भी ये ठीक ठाक है, मतलब आज खाने लायक है। जो अच्छे अच्छे थे वो सब उठा कर ले आए हैं, और जो बहुत ही ख़राब थे वो सब छोड़ दिया गया है वहीं पर। तो ये इतना सारा है जो मेरी सास देख रही है, और मेरे ससुर जी बैठे हुए हैं इधर, और इधर देखिए मुर्गियाँ एक दूसरे से लड़ती हुई झगड़ती हुई। तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा और मेरा सपोर्ट बनाए रखिएगा।